हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कद्दू के फूल के चीले। कद्दू के फूल के चीले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये फूल होते हैं जो कद्दू में लगते हैं। इनमें कद्दू लगता नहीं है, इसलिए हम इन्हें तोड़ के पकौड़े भी बना सकते हैं और चीला भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इस तरह से होते हैं। इसके लिए मैंने कद्दू के फूल को तोड़ लिया है और इस तरह से होते हैं ये। इनके पीछे के जो डंठल होते हैं उनको थोड़ा सा पिचका के हटा देंगे। ये जो हरा वाला पार्ट होता है इसको हटा देंगे धीरे धीरे तोड़ के। इस तरह से ये होता है, इसको हमें हटा देना है। इसी तरह सारे फूलों को तोड़ लेंगे हल्के हाथों से। मैंने सारे फूलों के पीछे के पार्ट हटा दिए हैं और इन्हें हम अच्छे से धो लेंगे। इनमें चींटियां होती हैं, इन्हें अच्छे से हम साफ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कर लेंगे और इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर इनको हम बारीक बारीक हमें इन्हें काटना है। तरह से आजकल वैसे कद्दू के फूल बहुत लगे हैं। अगर आपके घर में बेल है तो उसमें लगे होंगे। ये मेरे खेत के ही हैं। ये देखिए, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आटा। एक बड़ी कटोरी के लगभग आटा डाला है मैंने। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटी चम्मच। एक छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसमें डालेंगे दो चम्मच गरम मसाला। धनिया पाउडर डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब मैंने अजवाइन को ऐसे हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया है। एक टुकड़ा अदरक का डालेंगे घिस के। अब हमें इसे पानी के साथ इसे हाथ से अच्छे से मैश करना है। इसे चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे। जितना हम हाथ से इसे मैश करेंगे वो अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो हम इसे पहले आटे की तरह अच्छे से गूंदेंगे। इसका एक डो नहीं लगाना है हमें, इसे पतला रखना है। लेकिन इसे हमें हाथ से गूंद गूंद के इसे सॉफ्ट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। अच्छे से फेंटेंगे। अब हम एक तवा लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, हल्का गरम करेंगे और उस बैटर को हम इस तरह से उसमें डाल देंगे। इसे हाथ से फैला सकते हैं, चाहे तो आप चम्मच से भी फैला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फैला देंगे। अब इसे एक तरह से सिकने देंगे और इसे पलट लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से पलट देंगे। और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए, तैयार है हमारे कद्दू के फूल के चीले।